ही स्पेशल शो है क्योंकि आज हम अपने प्यारे देखने वालों में बांटेंगे बहुत सारे इनामात, एक नहीं दो नहीं पूरे 10 लाख के इनामात। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से फोन उठाइए और कॉल करें जन्नत जहां में और बात करें जन्नत अली खान से। अरे बात पूरी भी नहीं होती, कॉल आ गई। हेलो हेलो हेलो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप जन्नत हैं? हाँ जी, मैं जन्नत जी बात कर रही हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जन्नत माजी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अभी यकीन दिला देते हैं। मांगो जो मांगने जन्नत। मोबाइल फोन चाहिए आपका, आपने कहा था कि आज आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रही है वो कॉलर्स को देंगे। मेरा मोबाइल, मेरा अपना जाती मोबाइल चाहिए। अच्छा बेटा नाम तो बताओ, सीधा फोन मांग ली तुमने। वैसे जीतना मैंने ही आज। हाँ सही है धोनी भाई, कल भी मैं ही जीता था। क्या हुआ फारूक भाई, आजकल आ नहीं रहे खेलने, कहाँ गायब होते हो? जिंदगी के खेल से जब जीतने की कोशिश हो ना तो कोई और खेल अच्छा नहीं लगता। नौकरी की तलाश में रहता हूं, रोज सुबह से रात हो जाती। चेहरे से तो मेरा भाई आशिक नामुराद लग रहा है। जैसे नौकरी का मसला तो नहीं लग रहा ना, तुम्हारे चेहरे पे यूं 12 नहीं बज रहे होते। यार अब बंदा घर से उकता के तुम लोगों के पास आके बैठे ना तो यूं लगता है जैसे किसी के ठहरे में आगे खड़ा हो। कुछ तो चल रहा है भाई, कौन पक्की रिपोर्ट लाके देगा? मैं दूंगा टोनी भाई, बस 2 दिन दीजिए। बनाया है माहीन कमाल ने मेरे लिए, और क्या कमाल ड्रेस है ये, और इसे स्पेशली मेरी बर्थडे के लिए बनाया है। सो थैंक यू सो मच माहीन, इट्स फैंटास्टिक। आज का शो एक बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि आज हम अपने प्यारे देखने वालों में बांटेंगे बहुत सारे इनामात, एक नहीं दो नहीं पूरे 10 लाख के इनामात। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से फोन उठाइए और कॉल करें जन्नत जहां में और बात करें जन्नत अली खान से। जब जब मुझे कोई तोहफा देता है तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा पूछते हैं कहाँ से लिए, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि जब भी मैं कोई उसकी दी हुई ज्वेलरी पहनूं तो दोस्त पूछते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं नुमान, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं मेरी जान।
प्यार सोना सानू दिस जावे बल बल जावा जदों साढ़े वल आवे असा हुण तुप्पे बह के तैनू देती छावे की तेरे नाल असापनिए जान दुनिया जमाने नाल यारियां ना लावी सुन मगर कबूतर बनी दे दी जन्नत जी के नाम तबस्सुम मुगल के आदाब के साथ फारूक तुम डराई दिया डरा के तो तुमने रखा हुआ मुझे कल से मैंने हाँ न कोई मैसेज का जवाब न कोई कॉल का तुम्हें मेरे तोहफे पसंद नहीं आए ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मुझे तुम्हारे तोहफे बहुत अच्छे लगे हैं दिल से नहीं कह रही तुम तुम्हें कोई और चीज चाहिए थी ना हाँ बस एक क्या मुझे जन्नत जी से एक बार मुलाकात करवा दो उनके शो में ले जाओ मैं समझ पता नहीं क्या चीज चाहिए होगी कर सकते हो हाँ हाँ क्यों नहीं बस वो जो मेरा दोस्त तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे हमेशा वहां पहुंचने पे ना गायब हो जाता है नया रेफरेंस ढूंढ रहा हूं मैं वैसे तुम उनसे मिलके करोगी क्या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है ख्वाहिश है तुम्हें पता है कल रात को मैंने उन्हें ख्वाब में भी देखा मुझे तो कभी तुमने ख्वाब में नहीं देखा तुम तो हर वक्त यहां मौजूद होते हो अब तुम्हें ख्वाब में भी देखूं मैं कदर नहीं है तुम्हें मेरे जन्नत जी बड़ी खुशकिस्मत दुनिया का सब कुछ है उनके पास हुस्न पैसा प्यार करने वाला शौहर नाम शोहरत वो इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है
तुम्हारे पास भी तो सब कुछ है तबस्सुम। मेरे पास क्या है? छोड़ो, तुम अपने आप को दूसरे लोगों से ना मिलाया कर। तुम्हें पता है उनके शोहर ने उनके सालगिरह में उन्हें क्या तोहफा दिया? डायमंड का ब्रेसलेट, और वहां फूलों और तोहफों का ढेर था। पता नहीं कितने दिन लगेंगे उन्हें सारे तोहफे खोलने में। अगर मैं अमीर आदमी होता ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चीजें देता। मुझे पता है मेरे तोहफे मामूली। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, तुम्हारे तोहफे भी बहुत अच्छे हैं। तुम तो जन्नत जी की बात कर रहे हो ना, उन्हें तो हमेशा से सबसे बेहतरीन चीजें मिलती हैं, सबसे महंगी, सबसे खूबसूरत। मुझे ना कभी कभी डर लगने लगता है। किससे? तुम्हारे जुनून से। जुनून मतलब? तुम हर वक्त जन्नत की बातें करती हो, उसके शो की, उसके घर की, उसके कपड़े, और अब तो उसके शौहर और उसके तोहफे। वो मेरे जहन से निकलती नहीं है, क्या करूं? तुम दूसरी चीजों के बारे में सोचो। उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी ज्यादा परवाह है। मैं एक दफा उनसे मिलूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम देख लेना, पक्का वादा। तुम बस एक दफा मुझे उनसे मिलवा देना। अनवर, नाश्ता दे दो। जी, अस्सलाम वालेकुम। माजी, वालेकुम अस्सलाम। ये कचरे की टोकरी यहाँ क्यों पड़ी है? बाजी, वो मैं सब्जी काट रहा था तो। सब्जी ऐसे काटते हैं? सारे किचन में गंद फैला के। मैं अभी साफ कर देता हूँ, अभी साफ कर देता हूँ मैं। बच्चों को बुला लो। जी, उन्होंने तो नाश्ता कर लिया है। क्या मतलब नाश्ता कर लिया उन्होंने? संडे को तो मैं इकट्ठे नाश्ता करते हैं। मुझे देर हो गई थी काफी, और उन्हें भूख लग रही थी तो मैंने उन्हें नाश्ता करवा दिया। हाँ, वो मेरी आंख नहीं खुली थी। उन्हें बुलवा लूं? कहाँ है वो? बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं। नहीं, रहने दो, कॉफी ला दो मुझे। जी। अच्छा हाँ बाजी, वो कैश खत्म हो गया है, घर का सामान लेके आना है। क्या मतलब कैश खत्म हो गया? महीना खत्म होने में पूरा हफ्ता रहता है अभी। बाजी, मेहमान भी काफी आ गए थे और खाना वगैरह भी ज्यादा पक गया था तो, और महंगाई भी तो बढ़ गई है। अरे, गवर्नमेंट महीने में दो दफा किस चीज की कीमत बढ़ाती होगी ना, तुम 10 दफा बढ़ाते हो। पूरी दुनिया की महंगाई सब तुम्हारे लिए है ना? बाजी, बाजार में तो सुबह शाम कीमतें बढ़ रही हैं, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। ज़्यादा बहस ना करो मेरे साथ, आना मैं खुद ही जाया करूंगी शॉपिंग के लिए। जी बेहतर, मैं कॉफी लेके आता हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम सलाम। मुझे नाश्ता दे दें। जी जी, मैं देख।
डिनर कैसा है? तुम्हें से क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूं। सुन रहा हूं बहरा ने जैसे कि घर है, मॉर्निंग शो हो का स्टेज नहीं जहां पे तुम सुबह सुबह शोर मचाना शुरू हो। तुमने कॉल काट दी थी, पूरी टीम लगी हुई थी तुम्हें कॉल बैक करने में, और आगे फोन बंद कर दिया तुमने। तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैं कॉल काटी नहीं थी, कॉल ड्रॉप हो गई थी। और मैं फैन नहीं जो तुम्हारे कॉल आने पे एक्साइटेड हो जाएगा, फोन हाथ में पकड़ के इंतजार करेगा। मुझे एक मीटिंग में जाना था, मीटिंग पे क्या था, क्या गलती कर ली मैंने? तुम्हें अंदाजा है कि वो लाइव शो था? मुझे क्या महसूस हुआ होगा, तो क्या कह रहे होंगे? तो क्या कहेंगे लोग आपके बारे में? कुछ भी नहीं कहेंगे। आप सुपरस्टार हैं, डीवा हैं, आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। कुछ बुरा बोलना होगा मेरे बारे में बोलेंगे। शुरू में तो बुरी बात नहीं थी। अब लड़ा जाके माली से गप्पे, छुट्टी होने वाली है तेरी। कितनी बार कहा है एहतियात से चलाया करो। मैं सर रेस लगा रही थी। क्यों लगा रही थी? लाएं बाजी, आप नाश्ता कर ले, मैं इसे देखती हूं। तुम्हें तो मैं देखती हूं। इस महीने अपना हिसाब करो, निकलो यहां से। तंग आ गई रोज रोज की बकवास से तुम्हारी। मैं हिसाब करने से पहले किसी और मुलाजमत का इंतजाम कर लेना। मैं और मजीद बेबी सिटिंग नहीं कर सकता। जाहिर बात है बंदोबस्त करके ही निकालूंगी। अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से पता है मुझे, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हफ्ते में एक दिन तुम घर पे होती हो, उसमें भी मूड खराब होता है तुम्हारा। खैर हम बच्चों के कमरे में उनके पास। किसके साथ आयो? मम्मा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। नानी पास आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, नींद आ रही है। मैं सोच ही रही थी कि तबस्सुम को कहूँ तुम्हें फोन करे। कितने दिन हो गए तुम्हें आए हुए? देख लें, आपने याद किया और मैं चली आई। नहीं कहाँ है अम्मी? वो आज फिर से काम की तलाश में गए। क्या फिर से नौकरी छूट गई? पता नहीं क्या किस्मत है हमारी, 6 महीने से ज्यादा कोई नौकरी मिलती नहीं। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी। मैं तो सोच रही थी शायद इस दफा ये काम पक्का ही हो जाएगा इसका।
मुझे भी यही आस थी, लेकिन पिछले हफ्ते निकाल दिया फैक्ट्री वालों ने। अल्लाह करे आज नौकरी मिल जाए, वरना जो जमा पूंजी है वो हाथ से निकल जाएगी और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। फिक्र मत करो, अल्लाह राजिक है, जरूर कोई काम बन जाएगा। अच्छा तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। नसीम, अम्मी मैं खुद बना लेती हूँ, मैं कौन सा मेहमान, रोज तो आपके सर पे आके पड़ी रहती हूँ बोझ बन के। ऐसी बातें ना किया कर, कोई बोझ नहीं है तू हम पर। जन्नत का ही शो देखना छोड़ दिया। जितना मजाक उड़ाना ना उड़ा ले, मुझे परवाह नहीं है। आप पता है आपका भाई पता ही नहीं चला, बस अभी आए हैं। को कार्टून लगा दो, मैं जरा नमो को देख के आता। ठीक है सारा, क्या देखना बताओ, देखती हूँ या मिस्टर बीन? मिस्टर बीन, चलो पापा गर्मा गर्म दूध पत्ती लाई हूँ। गुलदस्ता कौन लेके आया? बाप को वाकई याद नहीं है, कल बिट्टो की सालगिरह थी ना, फारूक लाया उसके लिए। हाँ मैं बिल्कुल भूल गई, सालगिरह मुका लो। कोई बात नहीं पापा, मैं कौन से कोई अहम शख्सियत हूँ जो सबको मेरी सालगिरह याद होनी चाहिए। अच्छा ना, याद दिलाती थी तो कम अज कम मैं तोहफा तो ले आती। आप चाय पिए और केक खाएं सालगिरह का। केक भी फारूक लेके आया था, जाहिर है। पता है सोने की नथली और एक सूट भी लाया इसके लिए। अरे वाह, तो बड़ी खुशकिस्मत, इतना चाहने वाला शोहर मिलेगा तुम्हें। आना, मैं भी इसको यही कहती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेना, तुम्हारा रिश्ता आने वाला था ना, क्या बना? हाँ वो क्या बनना था, वही नहीं पसंद आई मैं उन्हें। अच्छा छोड़ो ना, दफा करो, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह जरूर कोई ना कोई सबब बना दे। इंशाल्लाह, मैं भी इसको यही समझाती रहती हूँ लेकिन हर बात में मुंह फुला के बैठ जाती है। अच्छा छोड़ो इसको, अपनी नथली तो दिखा, दिखाऊं? आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम अम्मो। शर्म नहीं आती ना तुझे फारूक? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? माँ को खाम खा झूठ मूठ बीमारी लगा दी। क्या मतलब? फयाज आया था अपनी माँ के साथ मेरा हालचाल पूछने के लिए, तूने 5,000 रुपयों के लिए माँ को बीमार कर दिया। नहीं अम्मी, 10 दफा मुझसे कर्ज ले लेगा, अपनी दफा 4 दिन ही सब्र हुआ उससे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि तुझे मेरी बीमारी का बहाना करके पैसे लेने पड़े। ये पैसों की जरूरत थी मुझे, बताया तो नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने का ये मतलब थोड़ी होता कि इंसान भिखारी बन जाए, दूसरों से मांगना शुरू कर दे। हद हो गई है, कभी इस तरह से हम लोगों ने कर्जे मांग मांग के नहीं उठाए। तुझे इतनी जरूरत थी पैसों की तो मुझसे कह देना था, ये लोगों से उधार मांगना कहां से सीखा है? कब तक आपसे मांगता रहा? मेरी बीमारी का झूठा बहाना लगाकर लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर नहीं था कि मां से मांग लेता? क्या जरूरत पड़ गई थी बता मुझे? थी जरूरत है फारूक, मैं साफ साफ पूछी हूं ना, मुझे साफ साफ जवाब दे। मम्मी वो तबस्सुम की सालगिरह थी, उसके लिए तोहफा लेना था। इतना दीवाना हो गया उसके पीछे कि उसको तोहफा देने के लिए कर्जे उठा रहा है। साल में एक बार सालगिरह आती है, रोज रोज थोड़ी आती है। वो तो खुदा का शुक्र है कि रोज रोज नहीं आती, वरना तूने रोज रोज तोहफे देने के लिए चल पड़ना था।
खाना है? दे रही हूँ। तेरी पसंद की कढ़ाई बनाई है मैंने। चारी। आए हाय, आराम से, हाथ मत। भाई यहाँ से कर्जा चुका दिया मैंने। अच्छा चल हट। तुम लोग अभी तैयार नहीं हुए? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं भी। तो क्या मैं अकेली जा रही हूँ? मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं थोड़ी देर में, मुझे गेम देखने दे। बेटा इतने अरसे से नानों की तरफ नहीं गए, वो मिस करती हैं आप दोनों को। तो आप जाएं ना, आई गो नेक्स्ट वीक। तुम दोनों को मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता? नो। क्यों? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी मामा। की तरफ चलो, उसके बाद कहीं और भी जाना है। ठीक है मैडम। अच्छा मुझे जल्दी से और भी प्याज काट के दो, आलू भी काट दो, ठीक है? तुम जाओ जरा बाहर देख करो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी अनिला बाजी और मैं आप ही की बातें कर रहे थे। बाजी। हाँ। जन्नत बाजी आई हैं। अच्छा, आज तो बताए बगैर आ गई हैं। तो मैं काम करूँ तो मुझे कबाब निकाल के दो, मैं उनके लिए वही बना लेती हूँ। बाजी। हाँ। वो नाभी वाले जोड़े की बात कर लीजिएगा उनसे। अच्छा अच्छा, मैं कर लूंगी, तुम्हें हमेशा जोड़े की पड़ी रहती है। ये देख तेरे पसंद की भुजिया। कब तक इस तरह मुंह बनाकर बैठे रहना तूने? जब तक मेरा दिल चाहेगा। जरा अच्छा नहीं लगता तू इस तरह मुंह बना के बैठा हुआ। अब तेरा दुबई का वीजा नहीं लगा तो हमारा तो कोई कसूर नहीं ना? नहीं, कसूर मेरा है, मेरी ही किस्मत खराब है। किस्मत खराब वाली बात बीच में कहां से आ गई? 100 लोगों का नहीं लगता। आप मेरा दिमाग नहीं खाओ। अच्छा नहीं खाती ना, बस अपना मुंह ठीक कर। मैं किसी को क्या कह रहा हूँ? अब सारा दिन इस तरह मुंह बनाकर फिरेगा तो हम परेशान नहीं होंगे? इतना वक्त जाया हो गया, मेरे इतने पैसे लगे थे मेरे, अब मैं दांत निकालता था, नहीं फिर सकता ना। नहीं जा, मैं तुम्हें बताती हूँ दांत कैसे निकालते हैं। मिट्टो नहीं, मिट्टो नहीं, इधर आ जा, मिट्टो पकड़ ले, इसको छोड़ना नहीं, मिट्टो नहीं, मिट्टो नहीं करने, इधर आ जा, बड़े तो दांत निकाल रहा था, नहीं नहीं बेटो, अब सही हो जा, मेरी कमेटी निकलती है ना, फिर कर लेना कोशिश दुबई की। अब चल, अम्मी बुला रही हैं। अब तो मुंह ठीक कर, तेरे पसंद का खाना है, लेकिन मुंह सीधा रख, मैं बता रही हूँ उसको छोड़ना नहीं बेटो। बेटो ये मैं बता रही हूँ, मैं पूरा खाना बनाया भुजिया, इसके पसंद की शक्ल देखो अब ठीक हुई है। खिलाएंगे उसको, अच्छे भी खाएंगे उसके। लो, तुम यहाँ आके लेट गई, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। चलो खाना तैयार है, आके खाना खाओ। नहीं अम्मा, भूख नहीं है, अभी नाश्ता किया था मैंने, पार्लर भी जाना है। कमाल है भाई,
तुमने तो खाना पीना ही बंद कर दिया जब से तुमने शोबिज ज्वाइन किया। खाऊं पीऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। फिर भी कुछ तो खाना होता है। ए अम्मा, आखिर भूख नहीं है। क्या हुआ? थकन। किसी से? जिंदगी से। कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी को सिरा हाथ ही नहीं आ रहा। तुमने सब कुछ खुद उलझाया है। मुझे पता था मुझे यही कहेंगी अम्मा। नुमान ने कुछ कहा है? वो क्या कहेगा मुझसे? उसके पास मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। प्यार ना मोहब्बत ना इज्जत, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं उसकी बीवी हूं और वो मेरा शौहर है। बेटा, ऐसा हो जाता है मियां बीवी की तरह। ये बात ना करें। पूरी दुनिया मुझे सर पे बिठाती है और वो मुझे अपने पांव की जूती तक नहीं समझता। मैं मांगती क्या हूं उसे? बस कुछ लफ्ज़ सताइश के, तारीफ के, मोहब्बत के, बस। उफ जन्नत, क्या शो था तुम्हारा जुमे को? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस माइग्रेन का अटैक हो गया। ओहो, मैं दवा लेकर आती हूँ। तुम एक काम करो, आराम से लेट जाओ। मेरी किस्मत में आराम कहाँ? मुझे पार्लर जाना है, फिर घर जाऊंगी। वो फ्लोरिंग वाला आ रहा है आज, फिर जिम। अभी तो आई हो, अभी जा भी रही हो। आपसे मिलने आई थी माँ। तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कहाँ जा रही हो? हमने भी बातें भी नहीं की। फिर से अभी निकलती हूँ। ख्याल रखो अपना। चलते ध्यान रखना। अम्मी, मुझे तो रश का था इसकी जिंदगी पे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप? वैसे की वैसी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कहाँ है? वो तो छुट्टी पे गई आज। अच्छा, मुझे मसाज करवाना है, मुझे फेशियल करवाना है और मैनी पैडी। मैं बिल्कुल जानती हूँ आपने क्या क्या करवाना है। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाए, आइए। रिलैक्स करना मेरी किस्मत ने कहा। चल मैम, मैं आपकी वाली कॉफी भिजवा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। जरा रिंकल्स नजर आ रहे हैं, देखो। दिखाइएगा मुझे? लग तो रहा है ना? आप एक काम कीजिए, आप बोटॉक्स करवा लें। ठीक है, डॉक्टर के साथ मेरी वो कर दो एक अपॉइंटमेंट। मैं बिल्कुल करवा लेती। आप बड़ी स्ट्रेस आउट लग रही हैं आज। यार, मुलाजमों ने जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। कोई अच्छे मुलाजिम ही ढूंढ दो मुझे, ताकि इनसे छुटकारा तो मिले। मैं बिल्कुल इस चीज का इंतजाम करती हूँ, आप परेशान नहीं हो। कोई सिंगल तमीज़दार पढ़ी लिखी लड़की है, ताकि इनको ना भुगतना पड़े मुझे। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, आप परेशान नहीं हो। और मुझे भी जल्दी फ्री कर दो, एक ही वीकेंड आता और इतनी जल्दी गुजरता कि पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आयला आ रही है 2 हफ्तों से यहाँ अपनी सर्विसेज करवाने के लिए। क्या? क्या मतलब? अब मतलब ये कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन 2 हफ्तों से वो यहाँ आ रही है अपनी सर्विसेज। ये कैसे हो सकता है?
तुम लोग जन्नत अली खान को एक्सक्लूसिव सर्विस देते हो, है ना? Exactly. तो फिर मेरे ड्राइवर्स को क्यों दे रहे हो सर्विस? अगर करना है तो दोनों में से एक को रखना होगा. ऐसे नहीं हो सकता. मुझे मेरा बैग दो, मैं सीनियर से खुद बात करती हूँ. आप बिल्कुल बात कर लें, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज. सलीना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोग आयलो को सर्विस दे रहे हो? तुम लोग मेरी डायनामिक जानते हो उसके साथ, तो ये क्यों कर रहे हो? देखो, तुम डिसाइड कर लो, या मुझे रखो या उसको रखो. मैं ऐसे नहीं आ सकती. मैं आई डोंट वांट टू सी हर बम्प इनटू हर. हाँ मां, आ रही हूँ. बैठ. कसम खा. कसम से? झूठ. कसम खाने के बाद भी तुझे यकीन नहीं आ रहा? तूने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है? हाँ हाँ देखा है. वो वहां बाकायदे किसे हर हफ्ते आती है. चंदू. मुझे पता था तू यही करेगी, इसलिए नहीं बता रही थी मैं तुझे. चंदा चंदा, मुझे एक बार उनसे मिला दे प्लीज. पागल हो गई है? मुझे क्या पता वो कब आती है कब नहीं. तुझे कैसे मिलवाऊं मैं? अभी खुद तो कह के वो हर हफ्ते आती है. हाँ मगर मुझे ये नहीं पता ना कि वो कब आएंगी, किस दिन आएंगी. अच्छा जब वो आएंगी तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी. तू ना नौकरी से निकलवाएगी मुझे. क्लाइंट है वो हमारी. इस तरह पार्लर के अंदर बुलाकर मैं तुझे नहीं मिलवा सकती. वो बड़ी गुस्से वाली है, हशर कर देगी मेरा. नहीं भाई. अच्छा चंदा तू तू मुझे उनका नंबर लेते. तू ना गालियां पड़वाएगी मुझे. बेवकूफ है, ऐसे कौन अपना नंबर देता है. और उनका वैसे ही अपनी मेट की वजह से आजकल मूड ऑफ रहता है. हर वक्त बुराइयां कर रही होती है उसकी. अच्छा खत तो दे सकती है ना मेरी माँ. तबस्सुम. तू उसके लिए इतना नहीं कर सकती चंदा. प्लीज मेरी चंदा, प्लीज ना खत दे दे.